हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जेरोटो विजन और शॉप जेरोटो क्रोल बाग। सो भाई, आज यहाँ पे आपके सामने फिर से वीडियो लेके आया हूँ XUV700 की। एक MX वेरियंट ये और एक X5 वेरियंट हो रहा है। तो भाई दोनों के अंदर काम क्या रहा है, बट जो आज की बेसिक मेन वीडियो है ना भाई, आज की मेन वीडियो होने वाली है हमारी इस वाली के ऊपर, जो कि भाई BS नंबर है हमारा। अब इसके अंदर बात किया क्या कुछ अपग्रेड, तो भाई बहुत सी अपग्रेडेशन यहाँ पे होने वाली है। जैसे कि आप फ्रेंड में देख सकते हैं भाई, यहाँ पर नीचे फॉग लाइट लग के नहीं आता है, तो फॉग लाइट इंस्टॉलेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। साथ साथ अलॉय व्हील्स नहीं आए, यहाँ पे सिंपल रिम लग के आई है, तो भाई इसका भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो भाई ये जो अलॉय व्हील्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रिम निकाल दी गई है। अलॉय व्हील्स अब इंस्टॉल होने वाले हैं, फिटमेंट वगैरह आपकी प्रॉपर रहने वाली है। क्वालिटी की बात करें, जेन्युइन आइटम चाहिए तो जेन्युइन आइटम यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी अगर मर्जी है आपकी आफ्टर मार्केट है तो आफ्टर मार्केट भी आप जा सकते हैं, बट अगर हमें रिकमेंड करना है तो भाई रिकमेंड हम आपको जेन्युइन ही करेंगे, और जेन्युइन की प्राइस भी आपको जो आपके शोरूम वगैरह उनसे कमी आपको मिलने वाली है। सेकेंडरी बात की जाए भाई, इसके अंदर आपको मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, मिरर अपग्रेड का। साथ साथ साइड में देखिए पूरी कोरी गाड़ी, साइड की तरफ यहाँ पे डोर गार्ड्स मिल जाती है, डोर वाइजर मिल जाते हैं, साइड बिटिंग मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेम ऐसी कुछ साइड बिटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, लोअर गार्निश कुछ तरीके से मिल जाएगी, डोर वाइजर भी यहाँ पे आपको कुछ तरीके देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके जेन्युइन महिंद्रा हो जाएंगे, प्रॉपर फिटिंग आपको मिल जाएगी। सेकेंडरी बात की जाए, काम जो चल रहा है भाई अंदर की तरफ, यहाँ पे काम है। अब बात करें अंदर की तरफ क्या काम है, तो भाई देख सकते हैं MX वेरिएंट कंप्लीट सॉफ्टवेयर यहाँ पे किया जाएगा, प्रॉपर वर्किंग आपको मिलेगी, लेदर क्वालिटी आपकी टॉप नॉच रहने वाली है। साइड में आपको ऑप्शन मिलता है वेलकम प्लेट का, साथ साथ सीट कवर का ऑप्शन मिल जाता है, स्टीयरिंग के कवर का ऑप्शन मिलता है, स्टीयरिंग के साथ साथ कंट्रोल्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, स्टीयरिंग कंट्रोल, MID कंट्रोल जो हमारे फिक्स होते हैं। बाकी अगर बात की जाए भाई, डैशबोर्ड भी सॉफ्ट टच का ऑप्शन मिलता है, और अगर बात की जाए इसके नीचे फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग भी यहाँ पे हो जाएगी। अब भाई जो एक बेसिक चीज़ है भाई, यहाँ पे जो सिस्टम देख रहे हैं आप, जो यहाँ पे लग के आया कंपनी से, ये बहुत छोटा होता है, बट अगर इसको भी आपको रिप्लेस करना है, इसका बड़ा चाहिए, तो भाई बड़ा ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आफ्टर मार्केट है, बट उसकी वर्किंग वगैरह आपकी टॉप नॉच यहाँ पे रहती है। बाकी काम अभी चल ही रहा है, काम जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पे मैं दिखा दूँ क्या कुछ अपग्रेड है, किस तरीके से मॉडिफिकेशन की गई है। सो गाइस, फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है इस वाली गाड़ी का, जस्ट थोड़ा सा ही काम बचा है, और ये वाली जो गाड़ी है 700, इसमें कंप्लीट मॉडिफिकेशन हो चुकी है। बात की जाए इसमें MX वेरिएंट के अंदर क्या कुछ अपग्रेड है, तो भाई सबसे पहले तो भाई अलॉय व्हील्स यहाँ पे दिखाए थे, अलॉय व्हील्स दिखा दूँ, अलॉय व्हील्स का साइज देख सकते हैं भाई, ये कुछ आपको लुक मिलेगी, साइज देख सकते हैं अच्छा खासा मिल जाता है भाई। 18 इंच के अंदर भाई लेवल थोड़ा अप हो जाता है, बढ़ जाता है भाई, लुक भी बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं यहाँ पे। बाकी बात की जाए इसके अंदर अगर ये वाले चाहिए, तो भाई येलो अलॉय भी आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल आपको सारा मिलने वाला है, साथ साथ क्वालिटी जो है आपको जेन्युइन मिल जाती है। बाकी इसके अंदर अभी महिंद्रा की कैप लगनी बाकी है, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, साइड बिटिंग यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई थी, यहाँ पे देख सकते हैं भाई क्रोम आइटम इंस्टॉल हो चुका है, जो कि लोअर गार्निश है हमारी, और ऊपर के डोर वाइजर भी इंस्टॉल हो गया, जिसके ऊपर आपको क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी बात की जाए, मिरर अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, मिरर अपग्रेड कर दी गई है, जो कि भाई आपके प्रॉपर होने, कपलर टू कपलर, नो वायर कटिंग, प्रॉपर आपकी जो वारंटी है वैसी की वैसी ही रहने वाली है। साथ ही साथ बात की जाए इसके अंदर भाई, इंटीरियर के अंदर थोड़ा काम किया गया, इंटीरियर दिखा दूँ, तो भाई देख सकते हैं इंटीरियर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं लेदर रैप किया गया पूरे बोर्ड पे, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच के साथ लेदर रैप देखने को मिलेगा, क्वालिटी आपकी हमेशा की तरह टॉप नॉच है। मेन जो स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग भी आपकी प्रॉपर रहने वाली है, इधर कोई भी वर्किंग के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से काम मिलेगा, फिटिंग आपको टॉप नॉच हमेशा मिलेगी। बाकी बात की जाए भाई, इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी आप इंस्टॉल की गई, जो कि मैं अभी गाड़ी ऑन करके आपको दिखा दूंगा। बाकी इसके अंदर प्लेट अपग्रेड नहीं है, स्विच अपग्रेड नहीं है, ना ही इनहैंडर अपग्रेड है, तो इसके ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंडरी बात करें अंदर की, तो वह अंदर करेगी, उस साइड थोड़ा सा काम चल रहा है हमारा, थोड़ा काम बाकी है। डैशबोर्ड पे यहाँ पे लेदर रैप हो चुका है, फिटमेंट आप देख सकते हैं, फिटमेंट आपकी प्रॉपर रहेगी, इसके अंदर भी कोई भी क्वालिटी के अंदर इशू नहीं आएगा, साथ ही साथ भाई विदाउट रिंगल वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी बात की जाएगा सीट कवर, तो भाई सीट कवर देखिए, ये कुछ आपकी क्वालिटी सीट कवर की देखने को मिल जाती है, साथ साथ भाई लग्जरियस लाइन सीट कवर है, क्वालिटी के साथ सॉफ्टनेस भी यहाँ पे अच्छी मिलती है। इसी के साथ भाई अगर दूसरी गाड़ी की बात करें, दूसरी गाड़ी में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट मतलब पूरा ही हो गया है, तो भाई इसके अंदर आपको सीधा इंटीरियर में लेकर चलता हूँ मेन काम जो है, तो भाई ये देख सकते हैं इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे सॉफ्ट टच किया गया, लेदर रैपिंग की गई है, और इसके अंदर भाई कंप्लीट चेंज है, ये देख सकते हैं भाई, अंदर बैठ के दिखा दूँ पूरी फिटमेंट वगैरह सब कुछ दिखा दूँ डिटेल वाइज। सबसे पहले तो भाई अगर डोर्स की बात करी रहा हूँ, तो भाई वहाँ पे आप ले रहे हो उसमें सिल्वर थे, इसके अंदर आपको ब्लैक ग्लॉसी मिल जाएंगे प्रॉपर फिटमेंट के साथ, और भाई ये जो है लुक आपको टॉप मॉडल फील देती है। साथ ही साथ भाई ये देख सकते हैं लेदर रैप जो मैं आपको बताया था उस वाली गाड़ी में सेम है, विदाउट कोई रिंकल, विदाउट फिटमेंट इशू, प्रॉपर सॉफ्टनेस के साथ। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्विचेस भी अपग्रेड की है, स्विच प्लेट भी यहाँ पे अपग्रेड है, और ये आपको मिला जेन्युइन महिंद्रा का। साथ ही साथ भाई जैसे मिला था मिरर अपग्रेडेशन का ऑप्शन, तो भाई मिरर भी अपग्रेड यहाँ पे कर दिए गए, यहाँ से देखिए ये हो गया अनफोल्ड, ये हो गया हमारा फोल्ड, तो भाई कंप्लीट वर्किंग इसकी मिल जाती है। एडजस्टमेंट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्रॉपर एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, जेन्युइन आइटम ये आपके रहने वाले हैं, स्विचेस से लेके प्लेट तक सब कुछ आपको यहाँ पे जेन्युइन मिलता है। इसी के साथ भाई ऊपर देखे तो भाई यहाँ पे देखिए एम एल एड इंस्टॉल की गई है, इसके अंदर K3 है,
और भाई ये देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे मिलता है आपको इनर हैंडल, जो कि आपको जेन्युइन मिलता है। रेड कलर की यहाँ पे भाई टेपिंग दिख रही है अंदर, जो महिंद्रा की जेन्युइन होती है। ये निशानी है कि भाई कहीं भी आप ले तो भाई ये जरूर देखना कि भाई यहाँ पे रेड कलर की आपको टेपिंग मिल रही है। भाई यहाँ देखिए ये प्रॉपर आपको मिलने वाला, प्रॉपर फिटिंग के साथ, नो इशू, आपको रिंकल भी नहीं मिलने वाला भाई। प्रॉपर क्वालिटी के साथ ये फिटमेंट की गई है। साथ ही साथ इसके अंदर भाई एसी वेंट अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, तो भाई एसी वेंट देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपग्रेडेड का ऑप्शन मिल गया। बाकी बात करें अंदर की तरफ, तो भाई अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो स्टीयरिंग कवर यहाँ पे अपग्रेड किया गया, स्टीयरिंग कंट्रोल, एमआईडी कंट्रोल दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। फिटमेंट आपकी प्रॉपर रहेगी, ये भी आपको जनरेटर मिलता है ग्लॉसी, और साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ जैसे उसमें डैशबोर्ड किया गया था, इसके अंदर भी डैशबोर्ड के अंदर वर्क देख सकते हैं। क्वालिटी मेन क्वालिटी पे यहाँ पे वर्क होता है भाई, क्वालिटी जितनी अच्छी होगी भाई काम उतना अच्छा लगेगा, उतना ही अच्छा हम आपको ट्रस्ट दिला सकते हैं। बाकी रेटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिलीप भाई बता देंगे, जो नीचे नंबर दिया हुआ है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ सीट का मैं दिखा दूँ, उस गाड़ी में, इस गाड़ी में कोई सी भी साथ सो, सब में प्रॉपर काम मिलेगा भाई। कहीं भी ऐसा नहीं कि एक में अच्छा लगा एक में बुरा कर दिया, पैसों की बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। काम काम है, हमारा काम है बेस्ट काम करना, तो आपके लिए बेस्ट काम यहाँ पे आपके लिए लेके आए। क्वालिटी आपकी टॉप नॉच, सॉफ्टनेस यहाँ पे, कम्फर्ट आपका ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ जो उस गाड़ी के अंदर क्या है, इसमें भी क्या है सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट में, कंप्लीट फिटमेंट, प्रॉपर फिटमेंट, नो कटिंग, नो इशू, नो रिंकल भाई, बढ़िया काम मिलेगा आपको यहाँ देख सकते हैं। साथ साथ देखिए स्विचिंग एकदम लाइन वाइज, 0-0 फिटिंग, कुछ नो इशू। बाकी इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा अपग्रेडेशन करें तो वो भी करवा सकते हैं, बट इसके अंदर यही काम किया, अगर आपको काम अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ साथ कमेंट करके बताना अगर आपको भी ऐसा कुछ काम करवाना है या आपके पास भी साथ सुबह या लेने की सोच रहे हैं, तो भाई उसके अंदर आप क्या क्या करवा सकते हैं वो हम आपको बता देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।